नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 अप्रैल, दिन शनिवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जदयू नेता ललन सिंह ने सीबीआई और ईडी को बताया बीजेपी का पालतू तोता। सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद यहां शिफ्ट हुए राहुल गांधी। इन क्षेत्रीय दलों पर बीजेपी की टिकी है नजर। सीएम नीतीश पर अब भरोसा करने वाला कोई नहीं, सम्राट चौधरी। ईडी और सीबीआई के खिलाफ कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल। जदयू नेता ललन सिंह ने सीबीआई और ईडी को बताया बीजेपी का पालतू तोता। जहां विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगे हुए हैं, वहीं ईडी और सीबीआई की रेड लगातार विपक्ष के नेताओं पर जारी है। अब बीते ही दिनों शराब वाले मामले को लेकर सीबीआई द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस मिला है। अब इस मामले को लेकर भाजपा पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा तंज कसा गया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार द्वारा विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के विरुद्ध अपने पालतू तोतों का दुरुपयोग बदस्तूर जारी है। अभी 11-12 अप्रैल को विपक्षी एकता के लिए सकारात्मक पहल होते ही तिलमिलाई भाजपाई सरकार के दिलो दिमाग में बदले की भावना भड़क उठी है। इसी कारण अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस मिल गया। सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद यहां शिफ्ट हुए राहुल गांधी। राहुल गांधी का सरकारी बंगला भी संसद की सदस्यता जाने के बाद हाथ से निकल चुका है। बता दें कि सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस राहुल गांधी के सांसदी जाने के बाद ही मिल गई थी। बंगला खाली करने का नोटिस उन्हें 22 अप्रैल तक दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना सरकारी आवास 22 अप्रैल से पहले ही खाली कर दिया है। बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के विवादित टिप्पणी पर सजा सुनाई गई थी, जहां उन्हें सूरत कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा दी गई, लेकिन इस मामले में उन्हें तत्काल बेल भी दे दी गई। राहुल गांधी शुक्रवार को अपना सरकारी आवास खाली करने के बाद सोनिया गांधी के आवास पर शिफ्ट हो चुके हैं। भीम आर्मी के संरक्षक के परिवार से मिले चिराग पासवान। भीम आर्मी के संरक्षक और दलित नेता राकेश पासवान को वैशाली के लालगंज में गुरुवार को देर शाम बेखौफ बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। वैशाली में लोगों द्वारा इस घटना के विरोध में शुक्रवार को जमकर हंगामा किया गया। इसी बीच शुक्रवार के ही दिन लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान भी पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पूरा मामला सुनने के बाद उन्होंने डीएम और एसपी को फोन लगाकर सीधा पूछा कि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। साथ ही साथ उन्होंने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की भी बात कही। साथ ही साथ उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा की राशि दिलवाने की भी बात डीएम से कही। बीजेपी और बिहार गठबंधन पर प्रशांत किशोर ने साधा निशाना। शुक्रवार के दिन हाजीपुर में मौजूद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अभी तो मैंने एक बुलेट दागा है, इसी से हलचल बढ़ी हुई है। अगर 10 बुलेट दाग दूंगा तो पता ही नहीं क्या चलेगा। दरअसल ऐसा कहते हुए उन्होंने बीजेपी और बिहार के महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों ने ही आपको ठगा है, आप लोग सोच समझ कर उम्मीदवार को वोट करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरे पास 6 बुलेट हैं तो मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं कि एक के साथ 6 दाग दूं। प्रशांत किशोर ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि 10 वर्षों में मैंने जिसका हाथ पकड़ा वह हारा नहीं, मैं संकल्प लेकर निकला हूं और आप लोगों का हाथ पकड़ा हूं। भरोसा दिलाता हूं कि मैं आप लोगों का कभी हारने नहीं दूंगा। इन क्षेत्रीय दलों पर बीजेपी की टिकी है नजर। सभी दलों द्वारा आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू की जा चुकी है। वहीं विपक्षी दलों को एकजुट करने की तैयारी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कमर कस चुके हैं, जिसके कारण कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों के नेताओं के साथ भी नीतीश कुमार की बैठक हो चुकी है। पर इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है कि बीजेपी के नजर विपक्षी दलों की एकजुटता और छोटे दलों पर है। विपक्षी दल ऐसा मान रहे हैं कि बीजेपी के साथ मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकजुटता काफी जरूरी है। इसके लिए नीतीश कुमार दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं। वहीं नीतीश के दिल्ली दौरा समय जीतन राम मांझी, जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख है, वे अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए। माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग ही जीतन राम मांझी द्वारा मिलने की वजह बताई गई है, लेकिन अब इसके एक अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान से उनके पटना आवास पर मिलने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी पहुंचे। बता दें कि बीजेपी रणनीतिकार द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि इसमें क्षेत्रीय दलों की सबसे अहम भूमिका होगी, जिसके साथ बीजेपी संपर्क बना रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश पर कसा तंज। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन फिर भी कई बार जहरीली शराब से मौत की खबरें सामने आती रहती है। दरअसल बिहार के मोतिहारी में 8 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। इसी मामले पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि छपरा में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद अब मोतिहारी में कई लोगों की जान चली गई है, लेकिन बिहार सरकार इसे छिपाने में लगी हुई है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
तो अब बताएं कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश की नीयत में खोट है, वे चाहते ही नहीं कि इस मामले की जांच निष्पक्ष हो। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीजेपी में जाने की संभावना पर बीजेपी ने कही ये बात। कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा कहा गया है कि सचिन जनाधार वाले व्यक्ति हैं और उनका बीजेपी में स्वागत है। दरअसल उनका यह बयान तब सामने आया जब सचिन पायलट के बीजेपी में जाने की संभावना को लेकर पत्रकारों द्वारा उनसे सवाल किया गया। शेखावत ने यह भी कहा कि यह आभासी सवाल है, सचिन पायलट भी पार्टी में आ सकते हैं, बस शर्त यह है कि किसी भी जनाधार वाले व्यक्ति को बीजेपी की रीति नीति में विश्वास करना होगा, पीएम नरेंद्र मोदी को अपना नेता स्वीकार करना होगा, पार्टी में उनका वहां पसार कर स्वागत है। बता दें कि सचिन पायलट के बीजेपी में जाने वाली बात तब से चर्चा में है जब से उन्होंने राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन किया था। सीएम नीतीश पर अब भरोसा करने वाला कोई नहीं, सम्राट चौधरी। सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा मुजफ्फरपुर में तंज कसा गया है। दरअसल सम्राट चौधरी द्वारा तंज कसते हुए कहा गया कि नीतीश कुमार डर गए हैं और हताश भी हो गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि यदि नीतीश पीएम मटेरियल होंगे तो देश का क्या होगा, पिछले 17 सालों में बिहार की क्या दुर्दशा हुई है, यह तो बिहार की जनता ही जानती है, पीएम तो बहुत दूर की बात है, नीतीश कुमार अब कभी सीएम भी नहीं बन पाएंगे वाली बात भी उन्होंने कही। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि उन पर कोई भी विश्वास करने वाला नहीं है, इसलिए अब जल्दी बिहार में बदलाव की बात उन्होंने कही। ममता सरकार को लेकर अमित शाह ने दिया ये बयान। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी बीच उन्होंने बीजेपी बनाम टीएमसी पार्टी के बीच हो रहे चुनावी लड़ाई को तेज कर दिया है। दरअसल अमित शाह ने दावा करते हुए कहा कि यदि उनकी पार्टी 2024 में 42 लोकसभा सीटों में से 35 या उससे अधिक सीटें जीत लेती है तो साल 2025 तक ममता बनर्जी की सरकार गिर जाएगी। बता दें कि साल 2019 में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीती थी तो वहीं 22 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। बिहार के पूर्व राज्यपाल ने भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी का किया खुलासा। बिहार के पूर्व राज्यपाल और भाजपा नेता सतपाल मलिक के द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर एक वेबसाइट से की गई बातचीत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बड़ा खुलासा किया गया है। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से कोई खास नफरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी को कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पता, वे कश्मीर को लेकर गफलत में है और उन्हें कश्मीर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि 2020 में उन्हें गोवा से हटाकर मेघालय भेज ही इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी को भ्रष्टाचार से जुड़ी बहुत सारी जानकारी दी थी, लेकिन उस पर कार्रवाई करने के बजाय मुझे मेघालय भेज दिया गया। फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले का कारण केंद्र की नाकामी थी। यहां तक कि इस मसले पर पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल ने मुझे चुप रहने को कहा था। इसके साथ ही मलिक ने बीजेपी नेता राम माधव पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि माधव ने एकपन बिजली योजना और रिलायंस इंश्योरेंस स्कीम की मंजूरी के लिए उनसे संपर्क किया था लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। जैसे ही अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक उदय होगा उन्हें सीबीआई बुला लेगी, कपिल सिब्बल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने कथित आबाकारी नीति घोटाला वाले मामले में 16 अप्रैल को तलब किया है। इस मामले को लेकर बीजेपी के द्वारा भी अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा गया है। अब इस मामले पर कपिल सिब्बल का बयान भी सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि मैंने लिखा था कि जैसे अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक उदय होगा उन्हें सीबीआई बुलाएगी, पिछले एक साल में संस्था का किस तरह से दुरुपयोग हुआ है। इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों को अपना मतभेद भुलाकर एक स्वर में बोलना चाहिए, यह लोकतंत्र की हत्या है। वहीं इधर दिल्ली कैबिनेट के मंत्री और आपके नेता ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आपके नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं लेकिन जांच एजेंसियां उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप अब तक साबित नहीं कर पाई है। ईडी और सीबीआई के खिलाफ कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की तरफ से जारी समन के बाद प्रेस वार्ता किया, जहां उन्होंने कहा कि जिन मोबाइलों के तोड़े जाने का दावा ईडी और सीबीआई कर रही है वे सभी एक्टिव है और यहां ईडी को भी पता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि एफिडेविट पर कोर्ट को गुमराह किए जाने वाली बात भी सीबीआई को पता है। केजरीवाल द्वारा जांच एजेंसियों पर झूठ बोलने के आरोप भी लगाए गए और उन्होंने कहा कि कोर्ट के सामने जांच एजेंसियों द्वारा झूठा हलफनामा पेश किया गया है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ईडी और सीबीआई के खिलाफ कोर्ट जाने वाली बात भी कही। सिसोदिया को लेकर भी उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर उन्हें फंसाया गया है और अब सीबीआई हमारे पीछे पड़ी हुई है। केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं मिला, संजय राउत।
केंद्र सरकार पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत के द्वारा तंज कसा गया है। दरअसल तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार जब विजय माल्या को लाने में असमर्थ है तो वे काला धन वापस कैसे लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बड़ी बड़ी बातें तो कर लेती है लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं मिलता। ये सरकार की विफलता है। परिणाम है विपक्ष का गला दबाना, विपक्ष पर झूठे मुकदमे लगाना और बस यही चल भी रहा है। अरविंद केजरीवाल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सीबीआई का नोटिस आया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि एनसीपी तोड़ने की कोशिश सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। शराब नीति को लेकर हुई लूट अरविंद केजरीवाल के नाक के नीचे से हुई है। अनुराग ठाकुर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर द्वारा निशाना साधा गया है। निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर द्वारा कहा गया है कि शराब घोटाले वाले मामले को लेकर घोटाले के सरगना से पूछताछ जारी है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आप पार्टी के कई नेता अभी जेल में हैं। दिल्ली की पूरी सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। यह बात पहली बार 75 साल में निकल कर सामने आई है। अरविंद केजरीवाल के नाक के नीचे से दिल्ली में शराब नीति को लेकर लूट हुई है वाली बात भी अनुराग ठाकुर द्वारा कही गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व डिप्टी सीएम कांग्रेस में हुए शामिल। कांग्रेस द्वारा तीसरी सूची को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दिया गया है। कुल 43 उम्मीदवारों के नाम को पार्टी द्वारा इस सूची में जगह दी गई है। बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी को 98 सीट से सीट दिया गया है। इससे पहले भी सावदी को इस सीट से बीजेपी द्वारा टिकट मिली थी। वहीं कोथूर जी मंजूनाथ को कोलार सीट से टिकट दी गई है। भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद ही पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने कांग्रेस का दामन थामा। यह जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के सामने ही उन्होंने पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया था। फिलहाल आज के राजनीति से जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स पर लिख कर दिया था। जिन व्यूवर्स द्वारा हमारे सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, अभिषेक राज, मोहम्मद सकीर हुसैन, रविशंकर, नन्नू गोलू कुमार, सुरेश ओरम और अंशु प्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आगामी चुनाव में क्षेत्रीय दलों का साथ आपके अनुसार कितना लाभकारी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।